प्रेज द लॉर्ड सबको जय मसीह की। मेरा नाम शीना है और मैं राजस्थान अलवर ज़िले से बिलोंग करती हूँ और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपनी गवाही देने का मौका दिया है। मैं जब 1.5 से 2 साल की थी तो मुझे अस्थमा की बीमारी थी और बीमारी इस तरह से हैवी होती जा रही थी। लगातार मेडिसिंस और इंजेक्शंस इसी के ऊपर डिपेंड थी। मेरे जो घर के हालात थे वो अच्छे नहीं थे। हमारे घर के अंदर कलेश रहता था, उस वजह से मैं डिप्रेशन में जा रही थी। मैं बताना चाहती हूँ, मैं राजस्थान से हूँ। मेरी मदर है जो वो एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हैं और वो केरला से हैं। मेरे फादर हैं राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट से ही हैं। मेरी मदर क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग तो करती थी, बट क्रिश्चियंस का मतलब क्या होता है, जीसस कौन है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मम्मी की शादी होने के बाद, जब पापा से मम्मी की शादी हुई उसके बाद मम्मी हिंदू देवी देवताओं की ही पूजा करती थी और जितने भी हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार, तीज त्यौहार होते हैं, दिवाली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन, जो भी त्यौहार होते हैं उन सबको हम शुरू से ही मानते थे और इसी तरह से हमारा जीवन चल रहा था। बट मैं बताना चाहती हूँ कि इन रिवाजों को तो हम फॉलो कर रहे थे लेकिन दिल में शांति नहीं थी। जैसे एक इंसान के लिए जीवन जीना ज़रूरी होता है, वो जीवन से हम अलग चल रहे थे। मेरा जो जीवन था वो बीमारी का था। साथ में जिस तरह से मैं बढ़ती गई एज में और मेरे जीवन में पाप, नशा, हर प्रकार की बुराई वो भर चुकी थी। मेरी जो रुचि थी वो पढ़ाई में ज़्यादा थी, बट जो मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहती थी लेकिन मैं अस्थमा की जो बीमारी है उस वजह से मैं नहीं कर पाती थी। तो मुझे लगता था स्पोर्ट्स लाइन में मेरे लिए नहीं है, मैं पढ़ाई करूँगी और एक अच्छी पोस्ट पे मैं जाऊँगी। और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं आगे की स्टडी के लिए जयपुर जाऊंगी और वहाँ मैं सीए बनकर ही मैं घर पे वापस आऊंगी। मैंने तय कर लिया था कि मैं अब मेरा पूरा फोकस स्टडी पे रहेगा, मेरे नाम के आगे सीए ही लगेगा। और ट्वेल्थ में अगर मैं बताऊं तो मेरी परसेंटेज काफ़ी हाई बनी थी, अच्छी बनी थी और मुझे राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिला था, गार्गी प्राइज़ मिला था और काफ़ी अच्छा अमाउंट भी मिला था। मैं बहुत खुश थी। जब मैंने डिसाइड किया कि मैं जयपुर जाऊंगी आगे की स्टडी के लिए, अपना कॉलेज है और सीए कंप्लीट करूंगी, तो मैं जयपुर आ गई। 2012 में ट्वेल्थ पास किया, उसके बाद मैं जयपुर शिफ्ट हो गई थी, पीजी में रहने लगी थी। मेरी रूम में काफ़ी सारी लड़कियां थी, सो मैं देखती थी कि वो ड्रिंक भी करती हैं और वो स्मोकिंग वगैरह करती हैं और स्टडी के साथ साथ जो काम नहीं करना चाहिए एक बच्चे को स्टडी के टाइम में, वो सब वो करती थी, बॉयफ्रेंड बनाना। और ये जो लाइफ मैंने देखी थी ये कुछ अलग थी। मैंने बचपन में अपने स्कूल टाइम में ऐसा कुछ देखा नहीं था, सो मेरे लिए बिल्कुल नया माहौल था ये। और मैं स्टडी करती थी और उस दौरान क्या हुआ, मेरी क्लास में कुछ लड़कियां थी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम हमारे साथ रहा करो, बाहर घूमा करो। मैं व्यभिचार के लत में पड़ गई, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं किस लाइन में जा रही हूँ। कभी कभी मैं बात करती थी महीने में, हफ्ते में घर पे, तो मैंने जैसे बताया कि मेरे घर के हालात इस तरह के थे कि हर रोज़ लड़ाई झगड़ा होता था, कलेश होता था, तो वो चीज़ मेरे दिल में भी वो बातें आती थी। और जैसे एक छोटा बच्चा बचपन से ही अपने मम्मी पापा को लड़ाई झगड़ा करते हुए देखता है तो उसके अंदर नफरत, जलन, जो गुस्सा है वो भी धीरे धीरे आ जाता है। तो मेरे अंदर जलन और गुस्से की भावना थी। मैं बताना चाहती हूँ, 2016 में मैंने एक कॉल सेंटर में कस्टमर केयर में वर्क करना, जॉब करना शुरू कर दिया। और जॉब के दौरान ऐसा हुआ कि
मेरी दोस्ती गलत संगत में पड़े हुए लड़कों से हो गई। ऑफिस में जो लड़के थे हेल्प तो करते थे, बट उनकी जो लाइफ थी वो एक पाप से भरी हुई ज़िंदगी थी। मैं बताना चाहती हूँ कि एक समय ऐसा आया कि मुझे भी उनके साथ रहना अच्छा लगा। जब वो पार्टी करने जाते थे, शराब पीते थे, तो मैं भी उनके साथ इंटरेस्ट दिखाने लगी। 2016 में मैंने शराब पीना शुरू कर दिया, व्यभिचार मुझे अच्छा लगने लगा। और 2016 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि हर महीने मेरे इंजेक्शंस थे, जो जिन्हें लगाने के बाद मुझे आराम मिलता था सांस में, अस्थमा की बीमारी में, तो वो हर रोज़ ही लगने शुरू हो गए थे। पहले मंथ में लगते थे एक या दो बार, फिर वीक में लगने लगे, फिर डेली का काम हो गया इस तरह से। और मैं सोचती थी मैं बचपन से इतने ड्रग्स ले रही हूँ, जो इंजेक्शंस के अंदर ड्रग्स मिक्स होती है जिसके कारण नींद आ जाती है और सांस लेने में इतनी समस्या नहीं हो पाती है, और इंजेक्शंस के जो डोज है वो हाई थी काफ़ी। तो बचपन में जब मैं 1.5 से 2 साल की थी, तब से लेकर मैं स्कूल टाइम के बाद तक कंटिन्यू इंजेक्शंस यूज़ कर रही थी। और ऐसा हुआ कि 2018 में मुझे एक काफ़ी अच्छी जॉब मिली। मैंने घर पे बात करना कम कर दिया धीरे धीरे, मंथ में 2 मंथ में अपनी सिस्टर से मिलने जाती थी। मेरा एक बड़ा भाई है और एक मुझसे छोटी बहन है, तो मैं अपने घर में जाती थी मंथ में एक बार, महीने में एक बार, दो बार, सिर्फ अपनी बहन के लिए। थोड़ा लगाव था मेरा उससे और उसका भी मुझसे, लेकिन जो मम्मी पापा और भाई के लिए जो मेरा प्यार था वो ना के बराबर था। मुझे लगता था ये लोग मुझे प्यार नहीं करते। और मेरा स्कूल टाइम में कोई दोस्त भी नहीं रहा, कॉलेज टाइम में कोई दोस्त भी नहीं रहा था, लेकिन जब मैं जयपुर आई दोस्त तो बहुत सारे मिले मुझे। उस माहौल में रहकर मैं भी पूरी तरह से पाप में डूब रही थी। मुझे पता था मैं गलत संगत में हूँ, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मेरा व्यभिचार का जो आदत था वो हर दिन बढ़ता जा रहा था। 2019 में ऐसा हुआ कि जिस कंपनी में मैं जॉब कर रही थी उसमें एक सर थे, तो उन्हें पता लगा मेरी मदर है जो, वो क्रिश्चियन फैमिली से हैं, तो मुझे बोलते थे क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, वो लालच देते हैं हिंदुओं को, ईसाई बना देते हैं, इस तरह के शब्द मैं सुनती थी उनके मुंह से। वो हर रोज़ कुछ ना कुछ क्रिश्चियंस के लिए, जीसस के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ शब्द बोलते थे, वर्ड्स बोलते थे। शुरू में मैंने इग्नोर किया क्योंकि मुझे नहीं पता था प्रभु यीशु मसीह कौन है और क्रूस पर उन्हें किन लोगों ने मारा, लटकाया, तो मैं कुछ जवाब दे नहीं पाती थी। जो बाइबल होती है मैंने कभी खोल के देखी नहीं, ना मेरे पास कभी कोई बाइबल थी, ना मेरा कोई दोस्त हुआ क्रिश्चियंस में, सो मैं कुछ जवाब दे नहीं पाती थी उन्हें। 2019 में ही ऐसा हुआ, जो मेरे सर थे ऑफिस में मुझे टॉर्चर करने लगे, सिर्फ इसलिए कि मेरी मदर, मेरी मम्मी हैं वो क्रिश्चियन फैमिली से हैं इसलिए। लेकिन मैं उन्हें जवाब देती थी कि सर मेरी मदर क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग तो करती हैं बट क्रिश्चियन लाइफ नहीं जीती, क्योंकि ना वो चर्च जाती हैं, वो सिर्फ मूर्ति पूजा करती हैं, और जिस तरह से हिंदू धर्म में रिवाज पूरे होते हैं उसी तरह से फॉलो करती है। लेकिन ऐसा हुआ कि एक दिन बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर कर दिया, और मैं ऑफिस जाती थी 9 बजे और शाम के 6 बजे वापस आती थी। 2019 में ऐसा हुआ कि मेरे सर ने जीसस के लिए कुछ बहुत गंदा वर्ड यूज़ किया और मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। हालांकि मैं जानती नहीं थी प्रभु यीशु मसीह कौन है, लेकिन मेरी सोच थी कि जो भी है, लेकिन किसी गॉड के लिए इस तरह का वर्ड यूज़ करना सही बात नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं। सो वो गॉड के लिए इस तरह का वर्ड यूज़ करना इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी ये सोच थी। लेकिन वो सर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे, हर दिन टॉर्चर करते थे, तो मैं सह रही थी, मैंने काफ़ी सहा। ये बात मैंने किसी को बताई नहीं क्योंकि कोई क्लोज दोस्त नहीं था मेरा
जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर पाऊँ। मैं अपने रूम पे आई जहाँ मैं रहती थी रेंट के मकान में, और 7 बजे मैं अपने रूम पर पहुँची। मैंने अपना पर्स रखा, मैंने अपने जूते निकाले और मैं बैठ गई अपने बेड पे। और उसी टाइम वो ऑफिस की बात मुझे याद आने लगी, जिस तरह से सर ने यूज़ किया था प्रभु यीशु मसीह के लिए शब्द। सोचते सोचते जब भारी चिंता में डूब गई तो मुझे एक फिर से बीमारी का सामना करना पड़ा। अस्थमा का अटैक फिर से आया। ये जो अटैक था मैं इसे झेल नहीं पा रही थी, सहन नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूँ, अगर मैं आत्महत्या कर लूँगी तो सब ठीक हो जाएगा, मेरे जो हालात हैं उससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा। तो मैंने 2019 में तय किया कि आज मैं आत्महत्या कर लूँगी। मेरे लिए वो दिन आखिरी दिन था, क्योंकि मुझे पता था ये दिन लास्ट है, इसके बाद मैं इस दुनिया में रहूँगी नहीं। और जो मेरे घर के हालात की वजह से मेरे दिमाग पे जो असर था, कलेश झगड़े की वजह से, गाली गलौज की वजह से, तो मैं सोच रही थी उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। एक तरफ से मेरी बीमारी की समस्या, अस्थमा की समस्या, एक तरफ से घर का कलेश और एक तरफ से सर का टॉर्चर, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। ऑफिस से आने के बाद मैंने फांसी का फंदा तैयार कर लिया। मैंने सोचा क्यों ना आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो क्यों ना अपनी भड़ास इन देवी देवताओं पर मैं निकाल दूं, क्योंकि इनको मैं बचपन से मानती आ रही हूं। मरना तो है, मरने के बाद कहाँ जाऊंगी कुछ आइडिया नहीं था। और मैं बताना चाहती हूँ, मैं मंदिर तो जाती थी, साथ में मैं मस्जिद भी जाती थी, अल्लाह को भी विश्वास करती थी और गुरुद्वारे में भी जाती थी, मत्था टेक के आती थी, तो मैं उनको भी नाम लेके पुकारने लगी कि अल्लाह कहाँ है, गुरु कहाँ है, मेरे देवी देवता हैं जो करोड़ों की संख्या में, वो कहाँ है, कोई है तो बचा लो, वरना आज मैं जा रही हूँ, इस दुनिया से जा रही हूँ। और 7 बजे से लेकर रात की 12-1 बजे तक मैं रोती रही। उस दिन मैं इतना रोई जितना कि जिंदगी में कभी नहीं रोई थी, और उन आंसुओं से, आंखों में जो आंसू थे, मेरे कपड़े, मेरी बेडशीट जहाँ पर मैं बैठी थी वो भीग गई। और ऐसा हुआ 1:30 बजे करीब मेरी आंख लग गई और मुझे नींद आने लगी, मैं सो गई। 4:15 बजे करीब ऐसा हुआ कि मेरे सामने एक बहुत ज़्यादा रोशनी से भरा हुआ, मुझे ऐसा दिखा कि कुछ मेरे सामने है। और वो रोशनी इस प्रकार की थी जैसे कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, तो उनके दोनों हाथ क्रूस पे लटके हुए थे, तो उस तरह की वो रोशनी थी। और मैं अपने बेड से उठ गई, उस रोशनी को देखकर मैं उठ गई। मेरे बेड से कुछ ही दूरी पे वो रोशनी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो रोशनी कह रही है कि मैं तेरे साथ हूँ। महसूस हुआ कि ये प्रभु यीशु मसीह है। और वो इतनी ज़्यादा रोशनी थी, वाइट कलर की, बिल्कुल सफ़ेद, तो मैं उसको फेस नहीं कर पा रही थी। और मैंने अपने दोनों हाथों से आंखों को बंद कर लिया। प्रभु यीशु मसीह मेरे पास आए एक कदम बढ़ाने के बाद, और उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पे रखा। जो स्पर्श था वो इतना अद्भुत था जो मैंने कभी अपनी जिंदगी में महसूस नहीं किया। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा, वो जो रोशनी थी, जैसे कि बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह संसार में ज्योति बनकर आए, इसलिए वो ज्योति मेरे पास आई। प्रभु यीशु मसीह मेरे पास आए और मेरे सर पे हाथ रख के कहा, इतनी मधुर, इतनी मीठी आवाज में कहा, जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी, कि बेटी मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जब मैंने इन शब्दों को सुना पहली बार, इतनी प्यारी, इतनी कोमल आवाज में, कि बेटी मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और उसके बाद वो रोशनी गायब हो गई। मैं खुश भी थी और थोड़ा डर भी लग रहा था। जैसे कि मैंने बताया, मेरे फादर हैं, मेरे पापा हैं,
हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो मुझे लगा अगर मैं घर पे बताऊंगी ये बात कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा या प्रभु यीशु मसीह की कोई बात करूं, तो पापा को कहीं गुस्सा ना आ जाए और मुझे डांट ना पड़ जाए। इस वजह से मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन मैं चाहती थी कोई ऐसा मिले मुझे, कोई दोस्त, कोई ऐसा क्लोज जिससे मैं बता सकूं कि हाँ, मैंने एक अद्भुत परमेश्वर को देखा, एक अद्भुत रोशनी को देखा, वो रोशनी यीशु मसीह है। मैं सोच रही थी अगर ये बात मैं किसी को शेयर करूं, किसी को बताऊं, तो पता नहीं कोई विश्वास करे नहीं करे, क्योंकि ये रोशनी मैंने देखी थी, वो दर्शन मैंने देखा था। तो 2019 के बाद 2020 आ गया। फरवरी में ऐसा हुआ, मैं जिस ऑफिस में काम कर रही थी उसी ऑफिस में वर्किंग टाइम में करीब 10 बजे सुबह के मैं कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रही थी, काम कर रही थी अपना, और मेरे पीछे से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ उसी तरह की थी जिस तरह से पहली बार मैंने प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनी थी, सेम वही आवाज़ मेरे कानों में आई। और वो आवाज़ कह रही थी, मैं तुझे चंगा करूँगा। आवाज़ वही आवाज़ जो मैंने उस दिन सुनी थी, मीठी आवाज़, अद्भुत आवाज़, वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं। मुझे महसूस हुआ शायद वही प्रभु यीशु मसीह है। जब मैं सुसाइड करने के लिए जा रही थी, जिस दिन सुबह 4 बजे मुझे दर्शन दिया था, ये वही प्रभु यीशु मसीह है। मैं काम करते करते सोच रही थी कि शायद किसी ने पीछे से आवाज़ तो नहीं दी, लेकिन मुझे महसूस हुआ नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह की ही आवाज़ है। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे ऑफिस में मेरी टीम में एक मेंबर था, मैंने उसे ये बात शेयर की कुछ हिम्मत करके कि शायद वो मेरी बात को सुने, और मैंने उसे सब बताया कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा 2019 में और मेरे कानों में आवाज़ आई, मैं तुझे चंगा करूँगा। उससे मैंने अपनी बात कही, शेयर की। तो मैं चाहती थी मैं किसी चर्च में जाऊँ और मैं प्रार्थना करूँ, प्रार्थना करवाऊँ अपने लिए, या जो भी चर्च में होता है वो मैं करना चाहती थी। मेरा विश्वास आया कि शायद प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाना चाहते हैं, उस मौत से बचाना चाहते हैं। तो मैंने एक अपने दोस्त को ये बात कही, क्या तुम मेरे साथ चर्च चलोगे? तो उन्होंने कहा, नहीं मैं नहीं जा सकता, 1 महीने बाद में चलेंगे। और फिर मैंने दूसरे दोस्त से कहा, मैंने उनसे पूछा, क्या आप मेरे साथ चर्च चलोगे? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, मैं चर्च के बाहर खड़ा हो जाऊंगा, मैं चर्च के अंदर नहीं जाऊंगा। तो मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ये बात अपने ऑफिस के जो मेंबर से पूछी, जिससे मैंने अपने दर्शन के बारे में बताया था, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया, मुझे कहा मैं तुझे चंगा करूँगा। तो मैंने जब उससे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चर्च चलोगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं चर्च चलूँगा। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मैं रेडी हूँ, कब जाना है? मैंने बोला, इसी वीक। उन्होंने कहा कि इसी वीक तो कैसे जाना होगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी सर से, बॉस से, ऑफिस के बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी। और मैंने आपको बताया, मेरे बॉस ऑलरेडी मुझे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मेरी मदर क्रिश्चियन थी। सो, बड़ी कोशिश के बाद थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा और मुझे छुट्टी मिल गई 1 हफ्ते की। मैं और मेरे ऑफिस के जो मेंबर थे, जो पार्टनर, जिनको मैंने बताया था अपने दर्शन के बारे में, हम दोनों चर्च गए। और मैं बताना चाहती हूँ, जो मेरा ऑफिस का मेंबर था वो भी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग इसी में शामिल था, और हमारे लिए वहाँ पर प्रार्थना की गई। और जैसे प्रार्थना हुई तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं चंगी हो चुकी हूँ। सो, जब मैंने प्रार्थना करवाई, उसके बाद मैंने ये बात अपने दोस्त को बताई जो मेरे साथ में गए थे। तो उन्होंने पूछा,
कैसा लगा प्रार्थना करवाने के बाद? तो मैंने कहा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अस्थमा से फ्री हो चुकी हूँ, मुझे लग रहा है मैं अस्थमा से आज़ाद हो चुकी हूँ। तो जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहा कि मुझे भी प्रार्थना करवानी है, और उन्होंने प्रार्थना करवाई। तो उस दिन हम चर्च से जैसे ही बाहर निकले तो मेरे दोस्त ने कहा जो मेरे साथ में गए थे कि प्रार्थना करवाने के बाद शीना मुझे ऐसा लग रहा है मैं नशे से फ्री हो चुका हूँ, जो मैं सिगरेट और दारू पीता था अब मेरा मन नहीं कर रहा पीने का। और मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी अस्थमा से फ्री हो चुकी हूँ। हम बहुत खुश थे, 25 साल की जो मेरी अस्थमा की बीमारी थी वो जा चुकी थी, मैं बहुत खुश थी। हम दोनों बहुत खुशी खुशी अपने घर पे वापस आए। और मई 2020 में ऐसा हुआ, उस समय लॉकडाउन लग रहा था, सो ऑफिस की तरफ से मुझे कंप्यूटर मिला था कि आप अपने रूम पे बैठ के कंप्यूटर पे काम करें, हमें रिपोर्ट्स भेजिए। तो मई 2020 में अपना काम कर रही थी मैं रूम में ही, मैं अकेली थी रूम में, कोई नहीं था। और काम करते करते मेरा मन हुआ कि मैं प्रार्थना करूं। मेरे अंदर जो खुशी थी कि मैं अस्थमा से फ्री हो चुकी हूँ, जिस बीमारी से बचपन से, स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से परेशान थी, वो जा चुकी है। तो मेरा मन किया कि मैं प्रार्थना करूं, धन्यवाद दूं प्रभु यीशु मसीह को कि धन्यवाद प्रभु आपने मुझे चंगा किया, मुझे हील कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। ये बोलने के लिए मैंने प्रार्थना के लिए वो अपना मुंह खोला, और जैसे मैंने धन्यवाद कहा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे चंगा कर दिया, हील कर दिया, बीमारी से छुटकारा दे दिया, और साथ में जो मेरे दिल में एक बोझ था, नफरत, गुस्सा, कलेश, चुगली करना, इससे मुझे फ्रीडम मिल चुकी थी, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा शांति थी। तो इस धन्यवाद देने के लिए मैंने प्रार्थना की, और जैसे ही मैंने प्रार्थना में बोलना शुरू किया कि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे चंगा किया, तो ऐसा हुआ कि मुझे महसूस हुआ कि मेरी पूरी बॉडी में एक अद्भुत स्पर्श महसूस हुआ। मुझे 2008 से आंखों पे चश्मा लग रहा था, और जब मैं ऑफिस का काम करती थी तो चश्मे के बिना मैं काम नहीं कर पाती थी। और इस समय जो मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखों पर किसी ने स्पर्श किया है, और 45 मिनट के बाद में मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें अच्छी हो गई हैं। मैंने चश्मा लगाया और कंप्यूटर पे काम करने बैठी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, धुंधला बिल्कुल। और जैसे मैं चश्मा हटाती हूँ तो देखती हूँ आंखें बहुत अच्छी हो चुकी है, आंखों में रोशनी बढ़ चुकी है, और मुझे ऐसा लग रहा था मेरी अभी अभी नई आंखें बनी हैं। और मैं खुशी के मारे अपने रूम में नाचने लगी, और प्रभु यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट का मैं बहुत धन्यवाद करने लगी। और उसी दिन से मैंने तय कर लिया कि मैं दुनिया के हर कोने में जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताऊंगी, लोगों को समझाएंगी किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इंसानों को प्यार करते हैं और दुख दर्द से आज़ाद करना चाहते हैं, इंसान का जीवन बदलना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, ना सिर्फ चंगाई करना चाहते हैं बल्कि हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार प्रभु बदलना चाहते हैं। मैं जानती हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो आत्महत्या करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हैं और कलेश में, दुख में जी रहे हैं, निराशा में जी रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ एक है जो आपको उम्मीद, आशा देना चाहता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और अभी कुछ समय पहले प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर अनुग्रह किया, दया की, और मैंने एक छोटी सी पोएम लिखी, एक कविता लिखी, जिसमें मेरी जीवन की गवाही है, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। वो कविता इस प्रकार से है, यीशु तू भला है प्रभु तू महान है, यीशु तू भला है प्रभु तू महान है, जिसने मुझे नया जीवन दिया वो सिर्फ तू है। यीशु तू अच्छा है प्रभु तू सच्चा है, जिसने मेरे पापों को माफ किया वो सिर्फ तू है।
मेरी जिंदगी उदास सी थी, मेरी जिंदगी उदास सी थी, खालीपन के अलावा कुछ ना था। हर पल सहमी सी रहती थी, गम और बीमारी का बादल सा छाया था। यीशु तेरे आने से मेरी जिंदगी बदल गई, यीशु तेरे आने से मेरी जिंदगी बदल गई, थामा जब तूने मेरा हाथ तो मेरी सोच बदल गई। तूने जब अपने प्यार की बारिश मुझ पर की, तूने जब अपने प्यार की बारिश मुझ पर की, तो मेरी आत्मा जैसे नई हो गई। जिसने मुझे जीने की एक नई आशा दी वो सिर्फ तू है, जिसने मेरा दिल बदला वो सिर्फ तू है। जिंदगी में अब सिर्फ शांति और आनंद है, जिंदगी में अब सिर्फ शांति और आनंद है। यीशु मेरे जीवन का मकसद सिर्फ तू है, मेरे ख्वाबों और सोचों में सिर्फ तू है प्रभु, मेरे ख्वाबों और सोचों में सिर्फ तू है प्रभु। जिंदगी की आखिरी सांस भी तेरे नाम है प्रभु। यीशु तो भला है, प्रभु तो महान है, जिसने मुझे नया जीवन दिया वो सिर्फ तू है। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर। और अब बाइबल स्टडी कीजिए कभी भी और कहीं भी, विजनरी टीवी और रेडियो पर।